एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम यहाँ पर उत्तराखंड जी के होमवर्क टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं फिर से एक बार। एक टेस्ट सीरीज़ मैंने पहले भी डाल दी थी इसी प्रकार की, जिसमें 8 प्रश्न आपको दिए थे और आपने कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर भी बताए थे। तो इसी प्रकार से आज आपको इन 15 प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। 2 या 3 दिन में मैं इनके उत्तर भी पोस्ट कर दूंगा। और जो लोग इनकी PDF चाहते हैं, इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं जो मैं यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ, तो वो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर भी ज़रूर डाल दिया करें ताकि मैं उनको व्हाट्सअप पर ये PDF भेज सकूँ। तो देखते हैं पहला प्रश्न। तुंगनाथ और रुद्रनाथ मंदिरों को जोड़ने वाली पर्वत श्रृंखला पर कौन सा मंदिर स्थित है? दूसरा प्रश्न है, झंडीधार नामक चोटी किस जिले में है? तीसरा प्रश्न है, चंद वंश का सबसे प्राचीन अभिलेख कुमाऊं में किस वर्ष प्राप्त हुआ? चौथा प्रश्न है, मौला देवी किसके बचपन का नाम था? पांचवा प्रश्न है, भैरोजा पहाड़ उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? छठा प्रश्न है, मनणा बुग्याल किस जनपद में स्थित है? सातवा प्रश्न है, नैनीताल स्थित राजभवन के वास्तुकार कौन थे? आठवां प्रश्न है, उत्तराखंड रहस्य नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? नौवा है, वीर गब्बर सिंह की याद में किस वर्ष चंबा में स्मारक बनाया गया? 10वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में प्रकटेश्वर गुफा स्थित है? 11वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा पत्रकार प्रेमी के नाम से कविताएं लिखा करता था? 12वां प्रश्न है, उत्तराखंड में ऐसे कितने जिले हैं जिन्हें 6 जिले या 6 से अधिक जिले स्पर्श करते हैं? 13वां क्वेश्चन है, कारकोटक नाग देवता का मंदिर कहाँ है? 14वां क्वेश्चन है, बंड विकास मेला कहाँ आयोजित होता है? 15वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले का मध्यकालीन नाम राजाओं की घाटी था? इन 15 प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, जिससे आपको भी पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल तक चल रही है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब मैं अगला वीडियो डालूं तो आप तक वो वीडियो पहुंच जाए। ध्यान रहे, सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में जो ये बेल का आइकन आ रहा है इस पर भी ज़रूर एक बार ओके करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम कोई वीडियो डालें। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर जरूर बताएं। धन्यवाद।